क्या? मम्मा, सीरा किधर है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चाहिए? सीरा चाहिए। अब इसमें डालना है, नहीं मिल रहा है। ये रहा, सामने तो पड़ा है। अरे हाँ, मिल गया। माँ, बोलती हूँ ना मैं आपसे, मुझसे खाना मत बनवाया करो, अंधी हो जाऊंगी मैं एक दिन। अच्छा, हम तो रोज ही खाना बनाते, हम तो अंधे नहीं हुए। झोंक की बाप से ना मेरी स्किन और आंखें खराब हो जाएगी, फिर मैं ब्यूटी क्वीन कैसे बनूंगी? अरे वाह, मेरी ब्यूटी क्वीन के नखरे बड़े। अच्छा जा बेटा, जाके तू खेल, मैं बकर लूंगी। थैंक यू मम्मा, यही तो चाहती थी। अच्छा, इस गोल घूमती दुनिया के एक छोटे से हिस्से पे हम सब अपने सपनों के, अपने अपनों के इर्द गिर्द खुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। पर मेरी हर मुस्कान इस भरोसे पे भरपूर है कि मेरे पापा हम सब की सुरक्षा का कवच है। मैं, माँ, आस्था दीदी, बिट्टू और पापा, हम सब खुश थे। लेकिन उस दिन ने मुझे इतना डरा दिया कि हम सब। स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स फिर से शुरू हो गए, अब पिट्टू भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब तो हमें स्कूल से अकेले घर पे जाना पड़ेगा। ये तो अच्छा है ना, स्पोर्ट्स के चक्कर में हमारी जल्दी छुट्टी हो गई, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर पार्टिसिपेट करना भी है ना, तो स्कूल वाले कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट करते, तू करते। इतने सुंदर कपड़े, इतने सुंदर बाल, और पता है मैं ऐसे चलती। अरे सपने देखना छोड़ दे प्रिया, हमारे स्कूल में कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? इस साल स्कूल में हेड बॉय मैं ही बनने वाला हूँ, तो स्कूल कमेटी से बात करके ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल दूंगा। चल प्रिया, मेरा घर तो आ गया, अब तू अपने घर जाएगी या मेरे घर रुकेगी? नहीं यार, आज आस्था दीदी घर आ रही है, तो जा मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पर जंगल में संभल कर जाना, जंगल में भालू भी है और तुम्हारे पीछे कचालू भी। चल जा, बाय। ओके, मेरा घर तो आ गया, तुम अकेली हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं, तू जा, मैं चली जाऊंगी। रास्ते में भालू मिल गया तो? मैं नहीं डरती किसी भालू से और नहीं किसी कचालू से। ये ले अपनी छतरी। अरे रख रख, बाद में दे देना। नहीं नहीं रख। ओके, जा मैं जा, बाय बाय। ताला लगा हुआ है, अब भैया ये रख दीजिए। अरे आस्था, आ गए बेटा। मम्मी। क्या माँ, ससुराल से मायके मैं आई हूँ और यहाँ कोई है ही नहीं मेरा वेलकम के लिए, कहाँ है बिट्टू और प्रिया? अरे बिट्टू की तो स्पोर्ट डे की तैयारी चल रही है, तो अपने दोस्त के घर ही रुक गया है। हर प्रिया आ ही रही थी पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं पहुंची है। मैं तो अड़ोस पड़ोस में भी पूछ के आ गई कि कहीं खेल ना रही हो किसी के घर, पर वो किसी के घर नहीं है। वो अकेली आ रही थी क्या? नहीं, वो शालिनी के साथ आ रही थी, पर शालिनी का घर तो बहुत पहले पड़ जाता है ना। रुको माँ, मैं फोन करती हूँ शालिनी को। शालिनी, जरा देखना किसका फोन है। हेलो। हाँ शालिनी, मैं आस्था बोल रही थी। प्रिया अभी तक घर नहीं पहुंची। घर नहीं पहुंची? पर प्रिया तो चली गई थी और अभय भी था उसके साथ। अभय, नंबर है तुम्हारे पास उसका? हेलो। हेलो अभय बेटा, मैं प्रिया की माँ बोल रही हूँ। शालिनी ने बताया कि तुम प्रिया के साथ आ रहे थे, पर प्रिया अभी तक घर नहीं पहुंची है। क्या? पर आंटी जी, मेरे घर वाले रास्ते तक तो प्रिया मेरे साथ ही थी। पर अभय बेटा, वो अभी तक घर नहीं पहुंची तो फिर कहाँ रह गई? I love you. क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ बोलो। क्या? अरे रात हो गई, बेटी अब तक घर नहीं आई है और तुम अब बता रही हो मुझे? भारी दुकान बंद करो, चलो जल्दी। प्रिया, 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 प्रिया,
प्रिया! तेरे पापा मुझे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ते। अरे मैं उन्हें कहती हूँ कि बच्चे 5-5 किलोमीटर दूर से चलकर आ रहे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, पर नहीं, उन्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। माँ, पापा से जितना बनता है वो करते हैं, और मैं भी तो स्कूल से अकेली आती जाती थी, क्या मुझे कभी कुछ हुआ? अरे बेटा, अनहोनी कहकर नहीं आती है, पर तू ये बात नहीं समझेगी। हे माँ पहाड़ वाली, मेरी प्रिया की रक्षा करना, मेरी प्रिया की रक्षा करना। सब सब मेरी बच्ची खो गई है, सब सब प्लीज प्लीज इसे ढूंढ लीजिए। सब क्या हुआ आपकी बेटी को? सोलन के स्कूल में पढ़ती है और रोज जंगल के रास्ते से हमारे टिकड़ी गांव पहुंचती है, अभी तक आई नहीं है। सब मिश्रा, फॉरेस्ट वालों को इन्फॉर्म करो, उनसे कहे बच्ची को ढूंढे। आप चलिए मेरे साथ। हां चलिए सब। प्रिया, रात भर प्रिया की तलाश जारी रही, लेकिन सुबह तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने प्रिया के दोस्त शालिनी और अभय से भी पूछताछ की, लेकिन ये पूछताछ महज औपचारिकता बनकर रह गई। और जल्द ही एक सूचना सामने आई। जंगल में बच्ची की लाश मिल गई है सर। सर, जब ये बॉडी मिली इसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था, लगता है मर्डर से पहले रेप किया गया है बच्ची के साथ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए कैमरा, बच्ची की डेथ हो गई, यहाँ पे फोटो निकाल रहे हैं, बंद कर। कानून मंत्री ने पीड़िता के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए ये भरोसा दिलाया है कि प्रिया मर्डर और रेप केस की जाँच के लिए तुरंत SIT का गठन किया जाएगा। इस केस पे जल्द ही SIT का गठन हुआ और केस की अगुवाई हिमाचल प्रदेश के SP मुकुंद लखनपाल को सौंप दी गई, और SP मुकुंद लखनपाल ने सोलन पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले का संज्ञान लिया। सर, पहले शालिनी का घर आता है और उसके बाद अभय का, और अभय ने हमें बताया था कि प्रिया तुंगड़ा रोड से होते हुए अकेले ही अपने गाँव टेकड़ी की तरफ गयी थी। यानी आखिरी बार उस अभय ने ही इसको देखा था। राजीव, कहीं ये लड़का कुछ छुपा तो नहीं रहा है? सर, अभय से बात करके ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन सर प्रिया की हालत देखकर लग रहा है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। प्रिया का स्कूल है सोलन में। अभय और शालिनी के बयान के मुताबिक वो उन दोनों के साथ आई धौली पट्टी, और धौली पट्टी से तुंगड़ा रोड तक वो अकेले अभय के साथ गई, जहां अभय का घर है, और प्रिया की लाश मिली है तुंगड़ा रोड की इस खाई में। तो वारदात वाले दिन स्कूल से लेकर क्राइम सीन तक की जितनी भी एक्टिविटीज हैं सब पता करो, जितने भी डिटेल्स पता चल सकते हैं। और ये जो शालिनी और अभय, हो सकता है ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो, तो इनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई करो, और कोई भी संदिग्ध बात पता चलती है तो हमें अपडेट करो। ठीक है सर। SIT की पूरी टीम मुस्तैदी से इस दुष्कर्म को अंजाम देने वालों की तलाश में जुट गई, पर प्रिया के साथ हुई घटना ने लोगों का मन इतने खौफ से भर दिया कि उस क्षेत्र के लोग अपनी बच्चियों को अकेले घर से बाहर भेजने में भी डर रहे थे। अभय प्रिया को आखिरी बार देखने वाला चश्मदीद था, लेकिन क्या उसने सच बोला था, इसकी जांच भी पुलिस कर रही थी। वहीं प्रिया को खो चुका प्रिया का परिवार अब भी सकते में था, और SP मुकुंद लखनपाल प्रिया के पिता से प्रिया के दोषियों तक पहुंचने के संकेत खोज रहे थे। मनोज जी, हो सकता है कि आपकी बेटी पर पहले से किसी की बुरी नजर रही हो, कभी उसके साथ कोई छेड़छाड़ या कोई भी ऐसी बात जो प्रिया ने कभी आपको बताई हो? नहीं, वो तो उस जंगल के रास्ते से हमेशा आती जाती थी, हमें सिर्फ एक बात का डर था, कहीं कोई जंगली जानवर से उसे खतरा ना हो। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि आज का इंसान जानवर से ज्यादा खतरनाक। हाँ राजीव, बोलो।
सर तुंगड़ा रोड, जिस रास्ते से प्रिया अपने घर की तरफ जा रही थी। सर उसी रास्ते पे आगे अभिषेक का गोडाउन पड़ता है। और सर स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस शाम प्रिया के साथ ये हादसा हुआ, तो हो सकता है प्रिया का गैंगरेप इन शराबियों ने किया हो। एक काम करो, सबको उठा के लाओ। ठीक है सर। नाम क्या तेरा? बीजू साहब। अभिषेक कहाँ है? क्या हुआ सर? मैं ही अभिषेक हूँ। सिराज, विभास, बाबू और रूपक, ये चारों कौन है और इस वक्त कहाँ है? सर सर ये सिराज है और बाकी सब पार्टी को डिलीवरी देने गए। लेकिन बात क्या है? थाने चलो, सब बताता हूँ। डालो इन सबको। सर लेकिन बात क्या है? बोल। सर हम मानते हैं कि कल हम सब साथ में थे, लेकिन ना मैंने कुछ किया है और ना ही मेरे वर्कर्स ने। सब प्रिया को हमने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। हमारे गांव की लड़की है वो, उसके साथ हम ऐसा क्यों करेंगे? साहब आपको कोई गलतफहमी हुई होगी साहब। सर आप यूं हम पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। तिकड़ी गांव का पुराना खानदानी आदमी हूं मैं। खानदान तो तेरा रहा नहीं, और जो लोग तेरे साथ काम करते हैं उनके साथ मिलकर एक बच्ची का रेप और मर्डर करते हैं तुम लोग। ये ऐसे नहीं बताएगा, कस के तोड़ो इन सबको। इनकी एकता ऐसे टूटने वाली नहीं, सबका डीएनए करवाओ। और उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का स्टेटस क्या है? सर रिपोर्ट आने में अभी एक हफ्ता और लगेगा। कुमुद, कुमुद चल अंदर चल, करे नहीं आएगी प्रिया। एक कुमुद, कुमुद रोले रोले, वरना ये अंदर का जख्म नासूर बन जाएगा। बोलती हूँ ना मैं आपसे, मुझे खाना मत बनवाया करो। झोंक की बाप से ना मेरी स्किन और आंखें खराब हो जाएगी, फिर मैं ब्यूटी क्वीन कैसे बनूंगी? देखिए पीड़िता प्रिया की हत्या और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 6 संदिग्धों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। वो सब के सब उसके गांव के ही हैं। ये भी सामने आया है कि अक्सर प्रिया स्कूल से घर वापस जाते वक्त अभिषेक टेहरी की जीप से लिफ्ट लिया करती थी। वारदात वाले दिन ये अभिषेक टेहरी और उसके 5 कर्मचारी टुंगड़ा रोड के पास शराब पीते हुए नजर आए थे। और हमें पक्का यकीन है कि वारदात वाली शाम पहले इन लोगों ने पीड़िता प्रिया को लिफ्ट दी अपनी जीप में, फिर जंगल के बीच ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस डिपार्टमेंट को पीड़िता और उसके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है और हम उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उन 6 लोगों का डीएनए टेस्ट भी करवा रहे हैं और बहुत जल्द उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। जी मेरे बेटे बीजू ने भी कुछ नहीं किया, भला अपने ही गांव के लोग ऐसा थोड़े ना कर सकते हैं। देखिए ये तो भगवान ही जानता है कि मेरी बेटी का दोषी कौन है, लेकिन हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। पर विनोद जी, पुलिस जरूर किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए उन निर्दोषों को दोषी बनाना चाहती है। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष, तो मैं पुलिस के काम पे उंगली कैसे उठा सकता हूँ? देखिए आप लोग जाइए यहाँ से। सर इन सब की एकता टूटती हुई नजर आ रही है। हालांकि सर उन्होंने कबूल नहीं किया है कि प्रिया का मर्डर और रेप उन्होंने ही किया है, लेकिन सर जब हम इनका डीएनए टेस्ट करा के इन्हें थाने रिटर्न ला रहे थे, तो वो लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे कि ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। हटो बीजो, साले तेरी वजह से मैं सब झेलना पड़ रहा है। तेरी वजह से क्या बोल रहे हैं बेचारे? एक काम करो, इन सबको एक ही लॉकअप में बंद करो और ऑब्जर्व करो, हो सकता है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले इनका कबूलनामा आ जाए। ठीक है सर। मैं डर गई, पापा बचाओ। मैं शेर हूँ।
ने मुझे तो समझा दिया कि प्रिया अब नहीं आएगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो हमारे बीच में क्यों नहीं है? जानता हूं तुम मुझे ही कोसोगी। मैंने कोताही बरती उनके स्कूल आने जाने, पर मेरे जैसे बहुत है दुनिया में जो अपने बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं लेकिन ये बंदोबस्त नहीं कर पाते कि उनका बच्चा बस मोटर में स्कूल आ जाए। और दोष सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी दुनिया का दोष है। चाहे फूल मसल दिए जाते हैं और कांटों का मोल भाव। और जी बोलो। मेरे पति निर्दोष थे, उन्होंने प्रिया के साथ कुछ नहीं किया था, पुलिस ने उन पे झूठा आरोप लगा के मारा। सिराज क्या, मेरा बेटा बिजू और उनके मालिक अभिषेक और बाकी के सभी लोग निर्दोष हैं। पुलिस जरूर किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए इन मासूमों पर अन्याय कर रही है। कस्टोडियल डेथ के विक्टिम शिराज और बाकी 5 लोग क्या वाकई में प्रिया के गैंग रेप और मर्डर के दोषी हैं? अगर ऐसा है तो उन सभी सस्पेक्ट के परिजन जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? अगर सच है तो वो कौन बड़ा आदमी है जिसे पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? सोलन पुलिस, सोलन पुलिस, सोलन पुलिस, सोलन पुलिस, सोलन पुलिस, सोलन पुलिस, सोलन पुलिस। बीजू की कस्टोडियल डेथ के बाद एसपी मुकुंद लखनपाल समेत एसआईटी के कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सर, प्रिया गैंगरेप और मर्डर केस के 6 संदिग्धों में से एक सिराज के कस्टोडियल डेथ की एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें लिखा है कि सिराज का बाकी 5 सस्पेक्ट से झगड़ा हुआ था और जब ये झगड़ा हुआ उस वक्त ड्यूटी कर रहा कांस्टेबल टॉयलेट गया था और जब वो वापस आया तब तक सिराज मर चुका था। लेकिन सिराज कैसे मारा गया ये इस केस का सेकेंडरी पहलू है। सबसे पहले हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि सिराज समेत एसआईटी के जो 6 सस्पेक्ट थे क्या वाकई उन्होंने प्रिया के साथ गैंग रेप और उसका मर्डर किया? सर, उन्होंने कन्फेस नहीं किया था और एसआईटी उनके डीएनए रिपोर्ट का वेट कर रही थी। डीएनए रिपोर्ट तो क्या, अभी तक प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई। लाइट द एग्जामिनिंग डॉक्टर्स, आई नीड हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट एज सून एज पॉसिबल। जी सर। और रही बात इन 5 सस्पेक्ट्स की, तो इनसे सच उगलवाने के लिए डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार हमें भी नहीं करना चाहिए। सिराज को मार के तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम लोग मर्डर तो कर सकते हो, अब प्रिया को मारने से पहले उसके साथ क्या क्या किया था ये बताओ। सर, हम तो शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि हमने प्रिया के साथ कुछ भी नहीं किया और ना ही हमने सिराज को मारा। सर, सिराज तो पहले से ही बेचारा बहुत परेशान था और गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और उसका पैर फिसल गया। सिराज! और सर, उस वक्त हवलदार भी ड्यूटी पर नहीं थे और उन्होंने हम पर झूठा आरोप लगा दिया। देख बेटा, ये तो सोचना मत कि तुम में से एक मर गया तो पुलिस वाले डंडे को हाथ नहीं लगाएंगे। साहब, हम पहले भी बहुत पिट चुके हैं, आप भी मार लो। तुम्हारी ये मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, पर अगर जेल में जाके व्यायाम ही करना है तो हमारी कसरत क्यों करवा रहा है? जो सच है वो उगल दो, क्योंकि मुझे ये केस बहुत जल्दी क्लोज करना है। सर, हमें भी बहुत जल्दी है कि कब आप हम पर विश्वास करें और हमें यहाँ से बाहर करें। सर, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए या फिर मगरमच्छ के आंसू, क्या अप्लाई करें इन पे? इंसाफ में भले देर हो जाए, अंधेर नहीं होना चाहिए। केस कोई भी हो, ये मुहावरा हर केस में एप्ट बैठता है और इस केस की जड़ में उतरने के लिए हमें उस दिन से शुरुआत करनी होगी जब प्रिया अपने दोस्त शालिनी और अभय के साथ स्कूल से आ रही थी। शालिनी ने बताया कि उसने प्रिया को अभय के साथ छोड़ा था और अभय ने बोला कि उसने प्रिया को उसके घर वाले रास्ते पर छोड़ा था। पहले इन दोनों बच्चों को डटोलते हैं, देखते हैं कि अंजाम से पहले गुनाह का बीज कहाँ से अंकुरित हुआ। सर, शालिनी कालिंदी गांव में रहती है और अभय तुंगला रोड के पास रहता है। इनके घर का रास्ता नापने से पहले हमें प्रिया के घर वालों से मिलना चाहिए, शायद उनसे मिलकर हमें सही रास्ता मिल जाएगा। राइट सर। मम्मी, मेरी टी शर्ट का बटन टूट गया है, कल स्कूल में फुटबॉल मैच भी है, सिल दो ना। क्या जरूरत थी तुझे फुटबॉल मैच में हिस्सा लेने की? अगर उस दिन तू अपनी बहन के साथ होता ना तो आज वो हमारे साथ होती।
200 करने नॉनस्टॉप, तेरे गोल करने से कम मुश्किल नहीं है। तुझे तो धूल मिट्टी पसंद नहीं है ना, फिर क्यों नंगे पैर रस्सी कूद रही है? पागल, रस्सी कूदने से ना हाइट बढ़ती है और मिस वर्ल्ड बनने के लिए ना लंबी हाइट की जरूरत है, समझा? अरे लेकिन तू मिस वर्ल्ड बनेगी कब? अभी 16 क्यों ना, जब अच्छा खेल जाऊंगी तब काउंटडाउन शुरू। अरे पहले पापा से तो पूछ ले कि वो तुझे मिस वर्ल्ड बनाएंगे या नहीं। तुझे फुटबॉलर बना सकता हूँ तो प्रिया को मिस वर्ल्ड नहीं बना सकता? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ कितना हुआ? 125, 126, 120। आउट हो गई, आउट हो गई, आउट हो गई। मम्मी मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर उस दिन मैं दीदी के साथ आता तो दीदी के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं बेटा, उसकी दोषी तुम नहीं हो, हम सब तो उससे बहुत प्यार करते हैं ना। प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो या तो प्रिया जानती थी या उसके दोषी, लेकिन प्रिया को आखिरी बार सही सलामत उसके दोस्तों ने देखा था, शालिनी और अभय ने। तो आपको कभी भी ऐसा लगा कि वो दोनों बच्चे आपसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं। और फिर वो बच्चे भला हमसे कुछ क्यों छुपाएंगे? देखिए विनोद जी, बच्चे अक्सर वही बोलते हैं जो उन्हें बोलने के लिए कहा जाता है, और प्रिया से जुड़ी हर बात को जानना हमारा फर्ज है। एक खुली हुई किताब की तरह थी हमारी बेटी, उसने हमसे कभी कुछ छुपाया नहीं। अब पुलिस तो बोल रही थी कि प्रिया के साथ अभिषेक और उसके कर्मचारियों ने, पर आप देखिए वो लोग अभी भी शक के दायरे में हैं, लेकिन आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हम हर दायरा तय करना चाहते हैं। सुनिए शालिनी जी, सर मैंने पहले भी बोला था सबको कि प्रिया मेरे साथ मेरे घर तक ही थी और उसके बाद वो अभय के साथ चली गई थी। बेटा हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अभय और प्रिया कैसे दोस्त हैं? मेरा मतलब है अभय प्रिया के साथ कुछ? नहीं सर, वो तो प्रिया से प्यार करता था। लेकिन ये बात हमें पहले किसी ने बताई नहीं, आपने ये बात पुलिस को बताई थी? नहीं, पर वो सब अभय पे शक कर रहे थे और मैंने इस बारे में अभय से बात भी की थी। अभय सच सच बता, प्रिया को भालू ने गायब किया है या तू कुछ छिपा रहा है? पागल हो गया शालिनी, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन तूने उसको घर तक क्यों नहीं छोड़ा? मैंने बोला था उसको, लेकिन वो सुनती कहाँ है किसी की। ओके मेरा घर तो आ गया, तुम अकेली हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं नहीं नहीं, तू जा, मैं चली जाऊंगी। मैंने सोचा भी था कि उसके पीछे पीछे चला जाऊं, लेकिन काश में चला गया होता तो ये सब नहीं होता। बेटा आपने बताया कि अभय प्रिया को पसंद करता था, लेकिन क्या प्रिया अभय को पसंद करती थी? पसंद तो करती थी, लेकिन प्रिया ने मुझे कभी नहीं बताया कि अभय ने उसे प्रपोज किया था। सर मैंने उस दिन प्रिया को पहली बार प्रपोज किया था, उसके बाद तो वो शालिनी को कैसी बताती? मतलब तुम्हारे पहली बार प्रपोज करने के बाद ही प्रिया के साथ ये सब हो गया, और अब तो हम प्रिया से ये बात कंफर्म भी नहीं कर सकते कि उसने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था या डिनाई किया था। नहीं सर, उसने डिनाई नहीं किया था, एक्सेप्ट किया था। प्रिया प्रिया रुको, प्रिया क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? मुझे क्या, पूरे स्कूल को तुम पसंद हो। अबे तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ओके ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं
तो फ्रेंड तो बन सकते हो ना? वो तो मैं हुई, लेकिन वो वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं। देखो जब मैं बड़े होके ब्यूटी क्वीन बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी ना, तब हम एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मामले में सोचेंगे, ठीक है? तब तक के लिए हम BFF होंगे, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ठीक है? अबे कुछ छुपा नहीं रहे ना? नहीं सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। सर एन ओल्ड फ्लेम और एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, क्या अप्लाई करें इस लड़के पे? किताब के कवर को देखकर किताब का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर सर मीडिया और उन छह संदिग्धों के परिवारों का आरोप है कि किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए उन लोगों को फंसाया जा रहा है। अब थ्योरी चाहे मीडिया की हो या बरगलाई हुई जनता की, उसको चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। पर जब तक DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, बाकी छह सस्पेक्ट्स के परिवार वालों को भी टटोलो, क्योंकि सिराज की मौत का उन्होंने भी काफी बवाल मचाया था। साहब, सिराज जी ने कुछ नहीं किया था, उन्हें फंसाया गया था। साहब मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। जिस शाम प्रिया के साथ ये सब कुछ हुआ, वो मुझे अस्पताल लेकर गया था। लेकिन उस शाम तो आपके बेटे को अभिषेक और उसके दोस्तों के साथ शराब पीते हुए देखा गया था, और आप कह रही हैं? मैं मानती हूँ वो वहाँ गया था, लेकिन फिर वो मेरे पास वापस आ गया था और उसके बाद मुझे अस्पताल लेकर गया था। सिराज और बीजू के बाद CBI ने बाकी सस्पेक्ट्स के परिजनों से पूछताछ की। वहीं इस केस में अभय और उसके पिता की भूमिका को भी टटोला जा रहा था। प्रिया को खो चुका उसका परिवार इस मुश्किल परिस्थिति से उबरने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रिया के साथ क्या इंसाफ होने वाला था, ये अब भी जांच का विषय बना हुआ था। सर ये प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत उसी शाम हुई जिस दिन उसे शालिनी और अभय के साथ देखा गया। सर प्रिया का लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों फ्रैक्चर किया गया था और उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। सर इस रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि प्रिया के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। प्रिया की बॉडी से सिर्फ एक ही DNA सैंपल मिला था, यानी उसका रेप सिर्फ एक ही इंसान ने किया था। लेकिन उन छह में से कौन एक, सिराज या बाकी पांच में से कोई एक? सर ये तो उन छह की DNA रिपोर्ट आने से ही क्लियर होगा। लेकिन सर बीजू के बारे में पता चला है कि उसका सेक्स वर्कर्स के यहाँ आना जाना था। DNA टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आएगी? सर 4-5 दिन और लग जाएंगे। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये थ्योरी बना रही है कि प्रिया का रेप और मर्डर बीजू के हाथों हुआ, लेकिन बीजू के साथ साथ उन पांचों को भी SIT उठा के लेके आएगी। सिराज ने भी पहले बीजू को ब्लेम किया था। बीजू साले तेरी वजह से मैं सब झेलना पड़ रहा है। उसके बाद सिराज की कस्टोडियल डेथ और SIT की ये रिपोर्ट कि उन पांचों ने मिलकर सिराज को मारा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिराज का इस कांड में कोई हाथ हो ही ना, लेकिन उन पांचों को ऐसा लगा कि सिराज उनके बारे में कुछ जानता है और वो मुंह खोल देगा। विक्रांत उन पांचों का नार्को टेस्ट करवाने की तैयारी करो। मुझे ऐसा लगता है कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने से पहले ही प्रिया के रेप मर्डर और सिराज की कस्टोडियल डेथ का राज सामने आ जाएगा। ओके सर। I love you. क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सात मार्च की शाम तुम अभिषेक सिराज बाबू रोपक विभास कहाँ शराब पी रहे थे? टुंगड़ा रोड के पास, उसी रास्ते से जा रही थी। प्रिया के साथ क्या किया? लिफ्ट दी थी ना उसको जीप में? नहीं, लिफ्ट नहीं दी थी हमने। वो चली गई थी, लेकिन फिर बीजू गया था। माँ को अस्पताल लेके जाना था। तो सिराज को क्यों मारा? मारा नहीं, उसका पैर फिसल गया था। इनके नार्को टेस्ट से आपके एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला? मतलब सर ये लोग जो शुरू से बोल रहे थे उनके वही बयान क्लियर करता है नार्को टेस्ट। लेकिन इनके DNA टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ज़्यादा मेकअप मत कर देना। फिकर मत करो दीदी, मुझ जैसा मेकअप करने वाली ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और मैं इतना अच्छा मेकअप करूंगी कि लड़का आपका हो जाएगा, और फिर शादी के बाद ये कमरा मेरा। दीदी मैं आपके साथ सो जाऊं? प्रिया दीदी के जाने के बाद उस रूम में सोने से मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं बिट्टू, आ जाओ। सर ये क्राइम सीन की फुटेज, प्रिया की बॉडी इस स्पॉट पे मिली है,
और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत शाम को हुई थी, अंधेरा होने से पहले। सर रात होने तक इस एरिया में लोगों का आना जाना लगा रहता है। सर जिस तरीके से प्रिया के रेप से पहले उसके साथ स्ट्रगल किया गया उससे साफ है कि वो चिल्लाई भी होगी, लेकिन इस केस में अभी तक कोई विटनेस सामने नहीं आया। तो सर हो सकता है कि प्रिया को कहीं और मारा गया हो और उसकी बॉडी को डंप यहाँ पर कर दिया हो। विक्रांत, इस रास्ते पर जितने भी गांव पड़ते हैं और जो गांव वाले यहाँ से रोजाना आते जाते हैं उन सबसे पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो लेकिन किसी डर की वजह से कुछ बता नहीं रहा। ओके सर। प्रिया रेप और मर्डर केस में एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन उन 6 सस्पेक्ट्स को आरोपी मानने की संभावना पर रुक गई थी, लेकिन उन 6 लोगों को अपराध करते हुए किसी ने विटनेस किया था या नहीं ये एसआईटी पता नहीं लगा पाई थी। सीबीआई क्राइम सीन के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करके और इस बीच उन 6 सस्पेक्ट्स की डीएनए रिपोर्ट आई जिसमें से एक की कस्टोडियल डेथ हो चुकी थी। सर उन 6 लोगों की डीएनए रिपोर्ट। सर उन 6 लोगों में से किसी का भी डीएनए प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता। यस सर, प्रिया का रेप और मर्डर करने वाला कोई और ही है जिसको ढूंढने के लिए फिर से नए मुर्गे और नए मुहावरे जोड़ने होंगे। सर व्हाट अबाउट अबे? सर मुझे नहीं लगता कि अबे होगा, क्योंकि प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए को फिर से एग्जामिन करने के बाद सामने आया कि जिसने भी प्रिया का रेप किया उसकी उम्र 25 से 32 साल के बीच की होगी। 25 से 32, यानी कि अब ये हमारा सर्च क्राइटेरिया होगा। विक्रांत, टिकरी और आसपास के गांव और जरूरत पड़े तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्च करो, सभी पुलिस स्टेशन की मदद लो, 25 से 32 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं सबके ब्लड सैंपल लो और उन्हें प्रिया की बॉडी पे जो डीएनए मिला था उसके साथ मैच करवा के देखो। और हाँ, 25 से 32 साल की उम्र के जितने भी लोकल क्रिमिनल्स हैं सबको तोड़ो। लेकिन सर इन 5 का क्या करना है? अब तो मीडिया सिराज के कस्टोडियल डेथ का और भी बड़ा इशू बना देगी। एसआईटी जिन 6 सस्पेक्ट्स को प्रिया के गैंग रेप और मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी, सीबीआई ने उन 6 लोगों में से 5 जिंदा बचे हुए लोगों को रिलीज कर दिया। लेकिन जो 6ठा व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में मारा गया था उसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि प्रिया के गैंग रेप और मर्डर का दोषी कौन है। विक्रांत, ये लोग सिराज की मौत के लिए पुलिस को दोषी मान रहे हैं, लेकिन उन 5 पर नजर रखना क्योंकि सिराज की मौत के लिए वो भी शक के दायरे में है। अब सोलन जिले में रहने वाले 25 से 32 साल के बीच के मेल हिस्ट्री शीटर्स ही नहीं बल्कि उस हर आदमी का डीएनए लिया जा रहा था जो उम्र के इस दायरे में आता था। लंबी चौड़ी जांच प्रक्रिया के बाद ये केस अब भी डेड एंड पे नजर आ रहा था। ये पता चला ये फोन नंबर इसका? नहीं सर। प्रिया के गांव और आसपास के एरिया के 25 से 32 साल के लगभग 250 लड़कों के डीएनए टेस्ट करवाए, लेकिन इसमें से एक का भी डीएनए प्रिया की बॉडी पे मिले डीएनए से मैच नहीं करता है। विक्रांत, हमने अभी तक उन्हीं लोगों के डीएनए टेस्ट करवाए हैं जो लोग इस इलाके में रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस किसी ने ये कांड किया है वो यहां का रहने वाला हो ही ना, बल्कि किसी का रिश्तेदार हो जो वारदात वाली शाम को यहां मौजूद था। एक काम करते हैं, एडवांस डीएनए टेस्ट करवाते हैं जैसा हमने दिल्ली वाले केस में करवाया था। हमारे पास अभी तक जितने भी डीएनए सैंपल मौजूद हैं, उन सबको प्रिया की बॉडी पर मिले डीएनए के साथ मैच करवा के देखो। ये चेक करो कि किसका डीएनए सबसे ज्यादा मैच होता है, और जिस किसी का डीएनए सबसे ज्यादा मैच होगा शायद उससे हमें ये पता चले कि उस आदमी ने जिसने प्रिया के साथ रेप और मर्डर किया था वो इसका कोई रिश्तेदार हो। ओके, मेरा घर तो आ गया, तुम अकेली हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, तू जा, मैं चली जाऊंगी। रास्ते में भालू मिल गया तो? मैं नहीं डरती किसी भालू से और नहीं किसी कचालू से। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया प्रिया। एडवांस डीएनए करके सीबीआई अब एक ऐसी कोशिश कर रही थी जो अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, और इस केस को नतीजे तक ले जाने के लिए अभी और भी मशक्कत बाकी थी। सर, जिन 250 लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया था उसमें से एक का डीएनए प्रिया की बॉडी पर मिले डीएनए से 30% तक मैच करता है। कौन है वो? केशव चैनल, टिकड़ी गांव का ही रहने वाला। जी देखिए सर, यानी कि इस बात के पूरे चांसेस हैं कि जिस आदमी ने प्रिया का रेप और मर्डर किया वो इस केशव चैनल का रिश्तेदार हो सकता है। इसके खानदान के सभी मर्दों की कुंडली निकालो और ये पता करो कि जिस शाम प्रिया का मर्डर और रेप हुआ इसका कौन सा रिश्तेदार इस एरिया में मौजूद था। ओके सर। केशव है घर पे? जी।
जी बोलिए। केशव जी, आपके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं? जी मैं हूँ, मेरी वाइफ है, अम्मा जी पिताजी है, और चाचा जी पिछले साल गुजर गए थे, तो चाची है और बेटी है उनकी, मेरी चचेरी बहन। और इसके अलावा और कोई आदमी नहीं है? नहीं सर, बस इतने ही है परिवार के लोग। अच्छा ये बताइए कि 7 मार्च को आपका कोई रिश्तेदार आया था आपके यहाँ पर? नहीं सर, नहीं कोई नहीं आया था। सर केशव के घर में केशव के अलावा आदमियों में सिर्फ उसका 65 साल का बाप है, और किसी आदमी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। यानी कि कुछ छुपा रहा है। विक्रांत आसपास अच्छे से पता करो, मुझे लगता है 7 मार्च को इसका कोई ना कोई मेल रिलेटिव यहाँ जरूर आया होगा। ओके सर। सर ये सुनील चैनल है, केशव का चचेरा भाई। केशव के पड़ोसियों ने इसका स्केच बनवाया, सो मैंने इसकी सारी डिटेल्स निकाली है। कई सालों से ये दिल्ली में था, 2016 में अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर गया, कुछ टाइम बाद इसे बेल मिली और बेल मिलते ही फरार हो गया। दिल्ली पुलिस भी इसे ढूंढ रही है सर। तो 7 मार्च जिस शाम प्रिया का रेप और मर्डर हुआ ये सोलन में था? यस सर, केशव के पड़ोसियों से इन्फॉर्मेशन मिली है। इसका मतलब है केशव के घर वाले तो नहीं बताएंगे कि ये सुनील अभी कहाँ है। एक काम करो विक्रांत, केशव के घर के सभी सदस्यों के फोन सर्विलेंस पर डालो, हो सकता है सुनील किसी के टच में हो, और अपने सोर्सेस ये पता लगाने की कोशिश करो कि ये सुनील इस वक्त कहाँ हो सकता है। ओके सर। सर सुनील की माँ को सुनील का एक कॉल आया था। किस नंबर से कॉल आया था? सर नंबर प्रकाश शर्मा का है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के एक फार्म हाउस के नाम पर रजिस्टर्ड है। सुनील ने जिस नंबर से फोन किया था उसे ट्रैक करो। क्या हुआ? ये सुनील चलन कहाँ है? सब सुनील चलन तो यहाँ नहीं है, अंदर जाके चेक करो। साहब वो हमारे इधर दिहाड़ी मजदूरी करता था, कहाँ माँ बीमार है और छोड़कर चला गया। पर ये प्रकाश शर्मा कौन है? मैं ही प्रकाश शर्मा हूँ। तो उसने तुम्हारे नंबर से यहाँ से कॉल किया? हाँ सर, मेरे ही नंबर से उसने अपनी माँ को कॉल किया। कितना टाइम पहले निकला है वो? काफ़ी टाइम हो गया। केशव का चचेरा भाई सुनील उस फोन कॉल के बाद अपनी माँ और केशव की चाची से मिलने नहीं पहुँचा, पर सीबीआई की टीम केशव के परिवार पर नजर रखे हुए थी और सुनील लगातार अपने परिवार के लोगों को अलग अलग नंबर से कॉल कर रहा था, पर सीबीआई अब तक उसकी कॉल को ट्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई थी और केशव के परिवार से भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। सोलन शिमला बिलासपुर हर बार अलग अलग जिले से कॉल करता है और शायद ये उन एरिया से कॉल करता है जहाँ ये दिहाड़ी मजदूर का काम करता है। एक बात कॉमन है, कभी भी अपने फोन से कॉल नहीं करता। एक काम करो विक्रांत, आसपास के जितने भी फार्म हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन और फैक्ट्रीज हैं उनकी लिस्ट बनाओ, अपने आदमी वहां तैनात करो, इस बार यहां से जाना नहीं चाहिए। ओके सर। हेलो हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। और माँ मैं आऊँगा मिलने तुझसे जल्दी, ठीक है? मैं रखता हूँ, धन्यवाद मैनेजर साहब, चलते हैं। जाने से पहले हमसे नहीं मिलोगे? विक्रांत अब सच सच बोल, उस दिन क्या हुआ था? सब उस शाम को ना मैंने उस लड़की को देखा था साहब, उसे देखते ही मेरा मन मचल गया था साहब, और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया साहब। साहब साहब तेरा मन मचल गया था, लेकिन उस मासूम बच्ची पर उस वक्त क्या बीत रही होगी उसका अंदाजा है तुझे? सुनील पे प्रिया के रेप और हत्या का केस फाइल किया गया, इसकी अब भी जांच चल रही है, लेकिन प्रिया को मिला इंसाफ उसके परिवार में प्रिया की कमी दूर नहीं कर पाएगा। जंगली भालुओं से डरना, उनसे सतर्क रहना सिखाया, पर यह बताना भूल गया कि इंसान किसी भी जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.